आगे शुभागमन से इस दिव्य धारा का जन जन आह्लादित है, कृत कृत्य है मान्यवर। आपसे करबद्ध आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पित करें माननीय। आज आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है और आज के अवसर पर बहुत खुशी की बात है कि यहां आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। यहां पर उनके साथ उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, यहां माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी, और बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी। मंच पर विराजमान सभी माननीय सांसदगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, और मुझे बड़ी खुशी है कि लाखों की संख्या में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं बिहार की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे, पथ निर्माण एवं नभागी गंगे की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है इनके द्वारा। आप जानते ही हैं कि आमस से दरभंगा नए 4 लेन बनाना है, जिसके आमस से रामनगर भाग का शिलान्यास किया जा रहा है। दानापुर बिहटा के बीच 4 लेन एलिवेटेड रोड का योजना बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी लगातार हम तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से पटना से बिहटा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। आज दिखा भी रहा था, इनको देखे भी हैं, अभी वो दिखा रहा था कि वहां से कार्यक्रम हो रहा, तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सब काम तेजी से हो जाए। और पटना जिले के शेरपुर से छपरा जिले के दिघवाड़ा के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल निर्माण बहुत जरूरी है। सड़क निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें बख्तियारपुर रजौली पथ पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ है, जिसके नवादा जिले वाले भाग का उद्घाटन किया जा रहा है। और इस पथ के निर्माण के लिए हम काफी प्रयासरत रहे। इस पथ में हमने कई जगह एलिवेटेड पथ एवं फ्लाईओवर देने की बात कही थी, इसके निर्माण में मेरी सभी बातें मान ली गई। और बख्तियारपुर से बिहार शरीफ भाग तक का तेजी से काम हो रहा, हम चाहते हैं कि इस भाग का भी निर्माण कार्य शीघ्र शुरू पूरा हो जाए। और बिहार में संप्रभुता स्थापित करने के लिए मैं सभी परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहार के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोगों के यहां भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे,
और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ। ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए अगर आप तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए, अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साधना है भाई, पांच से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग पांच से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिलकर के हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे, ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं, सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है। तो आप जब आप काम कर दीजिएगा, तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा, और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। और आप जो यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों को मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि पूरा का पूरा बुलंद होकर के रहिएगा, और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ाना है।